हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉइस ओवर चैनल के मोनेटाइजेशन के बारे में। यानी कि दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल पर वॉइस ओवर करते हैं, यानी कि सिर्फ अपनी आवाज़ डालते हैं वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं। और दोस्तों, साथ में हम बात करेंगे कि अगर आपके YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल है और यहाँ पर आप अपने YouTube चैनल पर वॉइस ओवर वाली वीडियोस डालते हैं, यानी कि फेस कैम वीडियो नहीं बनाते, तो यहाँ पर क्या आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा या फिर इनेबल ही रहेगा। अगर आपके YouTube चैनल पर पहले से ही मोनेटाइजेशन इनेबल है और यहाँ पर आप फेस कैम वीडियो नहीं बनाते, यानी कि खाली वॉइस ओवर डालते हैं, वीडियो में इमेजेस दिखाते हैं या फिर कुछ और दिखाते हैं जिसमें सिर्फ वॉइस जो है आपकी होती है, फेस आपका नहीं होता, तो क्या आपके यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा या नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने चैनल पर वॉइस ओवर डालते हैं, तो उनका मोनेटाइजेशन आने वाले समय में इनेबल होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल पर वॉइस ओवर डालते हैं, यानी कि अपनी आवाज़ डालते हैं, लेकिन जो आपकी आवाज़ होती है वो आपकी ओरिजिनल होती है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट की मदद से अपनी जो है आवाज़ नहीं डालते, आपकी खुद की ओरिजिनल आवाज़ होती है आपकी वीडियोज़ में, और बाकी वीडियो के अंदर आप अपना फेस नहीं दिखाते, आप जो है इमेजेस दिखाते हैं उसके अंदर या फिर आप जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, तो दोस्तों जो इमेजेस आप दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर, अगर वो आपकी खुद की होती हैं, यानी कि आप उनको एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन जो है 100% इनेबल हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन से ही या फिर डेस्कटॉप से स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपनी ओरिजिनल आवाज़ डालते हैं, तो भी आपका मोनेटाइजेशन 101% इनेबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पर खुद का वॉइस ओवर डालते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो इमेजेस आप यूज़ कर रहे हैं वो कॉपीराइटेड इमेजेस हैं, यानी कि सारी ही इमेजेस आप कॉपीराइटेड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो मोनेटाइजेशन इनेबल होने के चांसेस हैं वो 50-50 हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने YouTube चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फेस कैम वीडियो बनानी है, आप खुद की वॉइस ओवर डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि आप जो भी आवाज़ अपनी वीडियो में डाल रहे हैं वो आपकी खुद की ओरिजिनल होनी चाहिए, आपको किसी भी वेबसाइट से साउंड नहीं डालनी है, यानी कि आवाज़ चेंज करके आपको आवाज़ नहीं डालनी है अपनी वीडियो के अंदर, या फिर किसी एप्लीकेशन की मदद से आवाज़ को चेंज करके या फिर कंप्यूटर की आवाज़ आपको वीडियो के अंदर नहीं डालनी है। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप वीडियो के अंदर दिखाते हैं, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाते हैं या फिर इमेजेस दिखाते हैं या फिर कुछ और दिखाते हैं, वो भी आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर फेस नहीं दिखाते हैं, यानी कि फेस कैम वीडियो नहीं बनाते, खाली वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपनी खुद की ओरिजिनल आवाज़ डालते हैं उसमें चेंजमेंट करे बिना, और यहाँ पर आप कंप्यूटर की आवाज़ नहीं डालते, और साथ में जो कंटेंट आपका होता है वीडियो के अंदर वो भी आपका खुद का होता है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपकी खुद की होती है या फिर इमेजेस जो आप दिखाते हैं वो भी आपने खुद क्रिएट करी होती हैं, तो यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन 101% इनेबल हो जाएगा। आपके मोनेटाइजेशन को कोई भी नहीं रोक सकता इनेबल होने से। और दोस्तों, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर जो है फेस नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो आवाज़ आप उसमें लगाते हैं वो किसी कंप्यूटर की होती है, और जो कंटेंट होता है वो खुद का आपका ओरिजिनल होता है, यानी कि इमेजेस आपकी खुद की होती है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी खुद की होती है, लेकिन जो आवाज़ आप वीडियो में दिखा रहे हैं वो कंप्यूटर की होती है, तो यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। और दोस्तों, साथ में अगर आप अपनी वीडियोज़ के अंदर आवाज़ जो है अपनी खुद की डाल रहे हैं, ओरिजिनल डाल रहे हैं, किसी कंप्यूटर की नहीं डाल रहे, लेकिन जो कंटेंट आप उसके अंदर दिखा रहे हैं या फिर जो भी वीडियो आप उसके अंदर दिखा रहे हैं वो आपकी खुद की नहीं है, इमेजेस आप जो है गूगल से डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा इमेजेस जो हैं आपने कॉपीराइटेड डाउनलोड कर ली हैं, तो यहाँ पर आपका मोनेटाइजेशन जो है दोस्तों इनेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको खुद की आवाज़ रखनी है, खुद का ही कंटेंट रखना है, खुद की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है करनी है या फिर इमेजेस जो है खुद ही बनाकर लगानी है, तो आपका मोनेटाइजेशन 101% इनेबल हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चैनल के बारे में जिनके चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल है और जो फेस कैम वीडियो नहीं बनाते, तो दोस्तों यहाँ पर जो है उनके चैनल पर मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा अगर वो जो है यहाँ पर वॉइस ओवर खुद का ही डालते हैं, यानी कि खुद की ओरिजिनल आवाज़ डालते हैं और फेस कैम वीडियो नहीं बनाते हैं, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाते हैं या फिर कोई भी नो कॉपीराइट गेम प्ले दिखाते हैं या फिर अपनी खुद की इमेजेस दिखाते हैं, तो यहाँ पर उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा। दोस्तों, उनका मोनेटाइजेशन तभी डिसेबल होगा जब वो कंप्यूटर की आवाज़ यहाँ पर अपनी वीडियो में लगाते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ऐसे चैनल हैं जो कि मेरी तरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं भी यहाँ पर कॉपीराइटेड फ्री गेम प्ले दिखाता हूँ यहाँ पर, लेकिन आवाज़ मेरी होती है, तो ऐसे चैनल पर मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको पता होगा एक बहुत ही मशहूर चैनल है जिसका नाम है महात्मा जी टेक्निकल। दोस्तों, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं जो कि वॉइस ओवर उन्होंने करी हैं, यहाँ पर उन्होंने खुद की इमेजेस दिखाई हैं और सिर्फ आवाज़ डाली है अपनी वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर ऐसे चैनल पर मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा जो खुद की आवाज़ डालते हैं और जो कंटेंट उनका होता है वीडियो के अंदर, इमेजेस जो भी होती हैं या फिर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है तो उनकी होती है, तो ऐसे चैनल पर मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा। और दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई कॉपीराइटेड फ्री गेम प्ले दिखाता है अपनी वीडियो के अंदर लेकिन आवाज़ खुद की होती है, तो ऐसे भी चैनल पर मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।